हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सैलरी फंडा इन आईसीआईसी बैंक, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का सीटीसी तो हाई होता है बट इन हैंड सैलरी कम रिसीव होती है, क्यों? तो उस पर आज हम बात करेंगे। एक साल में आईसीआईसी बैंक का पार्ट रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि आईसीआईसी बैंक का अगर सीटीसी, जैसे बहुत लोगों का सीटीसी मैंने देखा है 2,85,000 के आसपास है, तो उनको इन हैंड सैलरी बहुत कम, मतलब 18,000 के आसपास, 19,000 के आसपास रिसीव होती है। बेसिकली जो सैलरी और सीटीसी आपका जो डिसाइड होता है दोस्तों, वो होता है आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। मेट्रो सिटीज में अलग है, ए ग्रेड सिटीज का अलग है, बी ग्रेड सिटीज का अलग है। बट अब मैं आपको बताता हूँ आईसीआईसी बैंक की इनहैंड सैलरी कम क्यों आती है। सबसे पहले आईसीआईसी बैंक आपका जो पीएफ होता है ना, दो पीएफ काटता है। पहला जो पीएफ होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयज पीएफ, जो कि हमारा होता है। जैसे हम एम्प्लॉयज हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा अपना पीएफ, जिसको एम्प्लॉयज पीएफ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो पीएफ होता है वो होता है एम्प्लॉयर पीएफ। एम्प्लॉयर मतलब बैंक को हमें अपनी तरफ से पीएफ देना चाहिए, बट आईसीआईसी बैंक में जो पीएफ होता है वो दोनों पीएफ आपकी ही सैलरी से कटते हैं। इसी वजह से सबसे पहले सैलरी कम हो जाती है। अब जैसे किसी का पीएफ अमाउंट है 2,000 रुपए, ठीक है, पीएफ एम्प्लॉयज पीएफ अमाउंट 2,000 रुपए है, बट 4,000 रुपए उसका पीएफ कट रहा है उसी की सैलरी से, जबकि एम्प्लॉयर पीएफ बैंक को देना चाहिए, ठीक है। बट हमारा जो होता है ओवरऑल सैलरी, अगर किसी की है, मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 25,000 है, तो 4,000 तो उसका पीएफ का चला गया, जबकि उसको उसका जो पीएफ है वो 2,000 कटना चाहिए, बट 4,000 हमारे ही अकाउंट से कटता है, हमारी सैलरी से कटता है। इसीलिए आईसीआईसी बैंक की सैलरी थोड़ी कम आती है। जो दोनों पीएफ हैं वो हम ही दे रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी से कट हो रहे हैं ना इसलिए। बट हाँ, ये है कि जो आपके दोनों पीएफ कटते हैं ना, जब आप रिजाइन देते हो, ठीक है, उसके बाद आप दोनों पीएफ आपके ही पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट होते रहते हैं। जब आप रिजाइन देंगे उसके बाद आप अपना पीएफ निकाल सकते हो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम आ रही, दो पीएफ कट रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे, दोनों ही पीएफ आपको ही मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात, इसका थोड़ा रुपए कम होते हैं ओवरऑल सीटीसी में। उसके साथ साथ अब बहुत से लोग बोलते हैं, सर ये बताइए अलाउंस वगैरह क्या क्या मिलता है सैलरी में। देखो, सारे अलाउंस वगैरह को मिला के ही आपका सीटीसी तैयार होता है, ठीक है। आपका रेंट वगैरह, लोकेशन के अकॉर्डिंग फूड का कितना है, वो सब कुछ मिला के आपका, फिर आपके एक होता है बेसिक सैलरी। आप देखते हैं ना, किसी किसी का बेसिक सैलरी 8,500-10,000 के आसपास होती है, उससे ऊपर जो भी आपको मिलता है ना वो आपका सीटीसी बनता है, जिसमें आपका ट्रेवल अलाउंस हो गया, आपका रेंट, फूड और कुछ अदर अलाउंस का जुड़ा हुआ होता है। कभी आप सीटीसी अपना देखिए उठा के, तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले जो सीटीसी में इनहैंड सैलरी जो कम पड़ती है वो है सबसे पहले हमारा पीएफ। दो पीएफ करते हैं, इस वजह से सैलरी कम हो जाती है। अब दूसरा आपका है ईपीएस। एक होता है कि आपका जैसे होता ना रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ आपको पेंशन जैसा मिलता है, वो भी थोड़ा डिडक्ट होता है। कुछ हमारी सैलरी से, जैसे कि आपका इंश्योरेंस वगैरह कॉर्पोरेट पॉलिसी मिलती है, बट हमारी सैलरी से थोड़ा बहुत उसका अमाउंट डिडक्ट होता है। इसीलिए ओवरऑल सीटीसी अगर आपका 2,85,000 के आसपास, 3,00,000 भी है, तब आपको इनहैंड सैलरी 18,000 या 19,000-20,000 के बीच में आता है। आईसीआईसी बैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए उसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि दोनों पीएफ एम्प्लॉय ही दे रहे हैं, ठीक है, जबकि एम्प्लॉयर पीएफ बैंक को देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बट पीएफ आपका बना रहेगा, और आप रिजाइन जैसे मैंने दिया था उसके बाद मैंने अपना पीएफ निकाल लिया था, क्योंकि रिलीविंग वगैरह जब आती है तो एक मेल आता है, वहां से आप अपना यूएएन नंबर वगैरह डाल के फॉर्म भर के अपना जो पीएफ अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सैलरी फंडा, बाकी सैलरी तो लोकेशन के अकॉर्डिंग। और हाँ, एक और क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। जी नहीं, बैंक में सैलरी कभी नेगोशिएट नहीं की जाती है, प्राइवेट बैंक में, और वो सैलरी खुद डिसाइड करते हैं आपको कौन सी लोकेशन दे रहे हैं और क्या डिजिग्नेशन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपकी डिसाइड होती है। तो इंटरव्यू के टाइम पे तो आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, सैलरी की बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये था सैलरी फंडा, और बाकी और अच्छी वीडियोस आती नहीं है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन में मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। सैलरी फंडा, सैलरी इसलिए कम आती है क्योंकि दो पीएफ हमारी अकाउंट से, हमारे अमाउंट से काट लिए जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो चलिए, बेफिक्र रहिए, वो अमाउंट एज अ पीएफ काउंट होता रहता है, जो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल रहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।